हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो अपडेट है वो सेल बोकारो की तरफ से। गाइस, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सेल बोकारो का रिजल्ट आउट हुआ था, तो हमने वीडियो के माध्यम से बताया था सभी ब्रांचों में कैटेगरी वाइज क्या क्या कट अप गई थी। तो गाइस, इस वीडियो हम जानेंगे आपको अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, और गाइस मैं अपना स्कोर कार्ड इसमें दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, सिंपली आपको सेल की ऑफिशियल साइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा बोकारो स्टील प्लांट डिस्प्ले ऑफ कटा मार्क्स एंड इंडिविजुअल स्कोर्स। नेम ऑफ द पोस्ट जो थी OCTT बॉयलर डिप्लोमा वालों के लिए थी। तो गाइस, ये पहले भी PDF थी, लेकिन ये PDF में आपको संशोधन करके आ गया है। तो गाइस, यहाँ पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए गाइस, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। गाइस, मैं PDF डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं, ये कटअप भी देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको अगर आप OCT हैं तो OCT पर क्लिक करना है, OCT बॉयलर हैं तो बॉयलर पर क्लिक करना है। गाइस, मैं OCTT इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो मैं यहाँ पे OCTT पर क्लिक कर देता हूँ। गाइस, जैसे ही OCTT पर क्लिक करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना। चलिए गाइस, मैं सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप इस में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर दी है। गाइस, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको सावधानी रखनी है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, तो सिंपली आपको ऐसे लिखना है 01-01-01 ऐसे। गाइस, ये डैश भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना। चलिए गाइस, मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। गाइस, लॉगिन पर क्लिक करते आप देख सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी, ये कोड लिखा हुआ, रोल नंबर UR कैटेगरी से थी मेरी, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, ऑपरेटर का टेक्नीशियन ट्रेनिंग। गाइस, जनरल इंग्लिश में मेरे आधे मार्क्स थे, बहुत ही कम मार्क्स थे, क्योंकि इंग्लिश हमको आती नहीं, तो हमने कहा नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन गाइस आपको आते हैं, वही क्वेश्चन करने, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं, रीजनिंग में देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, और आपके डिसिप्लिन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल था मेरा, तो इलेक्ट्रिकल से देख सकते हैं। टोटल जो मेरे मार्क्स थे 72.50 थे, और जो गाइस कट ऑफ गई थी आपकी 71.75 समथिंग आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी। परसेंटाइल देख सकते हैं 99.52। बहुत से कैंडिडेट ये कंफ्यूज होते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज पास होना होता है, तो आप यहाँ से मेरे रिजल्ट देख के आप समझ सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज पास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैक्सिमम स्कोर जो 10 मार्क्स था इंग्लिश, हमने उसमें आधा नंबर गेन किया है, यानी कि समझ सकते हैं आप कितना परसेंट हो सकता है। सो गाइस, इसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।